ये सो रहा हूँ मैं, सो नहीं रहा, सोने की एक्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि व्लॉग में अच्छा लगता है। तभी बजता है अलार्म जो मैंने लगाया नहीं था। फोन को रखा चेस्ट पे और मैं फिर से सो गया। अभी होती है मम्मी की एंट्री जो हमेशा की तरह गुस्से में ही है। उठ जा सुती, आलसी, कद उठा कर तो 10 बज गए। उठ जा उठ जा, कद उठा कर 10 बज गए दशहरा जो। 10 मिनट सोते, 10 मिनट में आ रहा हूँ, बस 10-15 मिनट में उठ रहा हूँ। नींद ही पूरी थी सारी रात, सपने न्यूट्रिशन देते। कभी कोई देश में घूम रहा हूँ, कभी कोई देश में घूम रहा हूँ। ममड़ी बाय दी वे, एक चीज तो बताना भूल ही गया, आज दशहरा है। हैप्पी दशहरा टू ऑल। नहा धोकर हम निकल पड़े जिम की तरफ क्योंकि बहुत दिनों से हमने जिम का मुंह नहीं देखा था, सो आज सोचा हल्की फुल्की एक्सरसाइज लगा लें। बाहर कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, बट इस क्लिप को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बाहर देखने का नाटक कर रहा हूँ। जिम तो आ गए पर आलस इतना आ रहा है, लिफ्ट लेने का मन कर रहा है पर हम स्टेयर से जाएंगे। जिम जाने का फायदा क्या हुआ जब हमने लिफ्ट ही ले ली, इसलिए हम स्टेयर से चलते हैं, जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं। ये नया कैफे खुला है यहाँ पे, ये रहा, जाएंगे कभी। बहुत टाइम से मैं, अभी थोड़े टाइम के लिए मैंने जंक फूड बंद कर रखा है, शुरू करेंगे, कभी कभी तो चलता है। जिम पहुँचने वाले हैं। जिम हो गया डन, मिक्स लगाई है मैंने क्योंकि बहुत दिनों के गैप के बाद जाओ तो चक्कर आने शुरू हो जाते होते हैं, और मैं कैलोरी डेफिसिट पे चल रहा हूँ थोड़ा सा, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा पतला हो जाऊँ क्योंकि मुझे खुद को ऐसा लगने लग गया कि मेरा मुंह और मैं मोटा हो रहा हूँ धीरे धीरे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर कैलोरी डेफिसिट में चलते हैं और अपने आप को दोबारा शेप में लेके आते हैं। और इसके बाद मैं जाऊँगा, आज है दशहरा, हैप्पी दशहरा टू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अभी इसके बाद जाऊंगा मैं रावण देखने। यहाँ पे पंचकुला में एक रावण है, पंचकुला में रावण लगा है, यहाँ पे 200 फीट का रावण है, चंडीगढ़ का सबसे बड़ा रावण है वो देखने जाऊंगा। बचपन में जाया करते थे मम्मी के साथ छोटे होते रावण देखने दशहरे पे, अब जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा माहौल है, कितना चेंज हो चुका है। मैंने भी रील्स में देखा था कि 200 फीट का रावण, इतना बड़ा रावण कहीं नहीं होता, इस बारी भी देखते हैं कितना बड़ा रावण है और आपको भी दिखाते हैं इन आंखों से उन आंखों तक। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को याद से, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। रेडी शेडी होके चलते हैं, और बियर्ड बहुत बड़ी हो गई है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा कटवाने का, अब जल्दी जल्दी फ्री होके यहाँ से वापस आते हुए वहाँ से फिर बियर्ड ट्रिम कराएंगे और फिर आएंगे घर। बहुत सारी भीड़ होगी वहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा रावण है ना, इसलिए मिक्स चलते रहेंगे, डेली व्लॉग्स भी चलते रहेंगे और ट्रैवल व्लॉग भी चलते रहेंगे। ट्रैवल व्लॉग चलते रहेंगे तो मैं उसकी सीरीज बना दिया करूँगा, और डेली व्लॉग तो चलते ही रहेंगे नॉर्मली। रेडी शेडी हो गए हैं, अब निकल रहे हैं दशहरा देखने। पहले दोस्त को पिक करना था, उसने मना कर दिया, अब भाई को पिक करने जा रहा हूँ, उसके साथ चलेंगे। मैंने माइक लगाया है, वॉइस क्लैरिटी क्या नहीं मुझे समझ में आता। पहले जब हम छोटे होते थे ना, तब ना मम्मी कहती थी रावण जब जल जाता है ना उसकी लकड़ी ले आया करो। मैं कहा क्यों, कहते से ना रात को डर नहीं लगता। सो मैं और मेरा भाई ना लकड़ियाँ उठा लाते थे वहाँ से रात को, और बेड के नीचे रख देते थे ताकि हमें रात को डर ना लगे, भूत प्रेत ना पास आए, ऐसे कहावत थी, मेथी था झूठ तुम करते थे ऐसे, अब तो नहीं करेंगे, अब तो मेरे ख्याल से अब तो नहीं डर लगता ना ही ऐसा कुछ करेंगे। मैंने ना ये माइक लगाया, ये DJI का, अभी देखना है इसकी वॉइस क्लैरिटी कैसी आती है। पर्सनली मुझे इसके, मैंने एक दो बार यूज़ करा है, मुझे इतनी कुछ खास लगी नहीं इसके अंदर, बस एक नॉइस कैंसलेशन है वो ऑटोमेटिकली, आप जो लोग FCP यूज़ करते होंगे उनको पता हो, वो वैसे हो जाता होता है, उसमें FCP में ऑप्शन है नॉइस कैंसलेशन का। अब ये ट्राई करा है मैंने, देखते हैं कैसा आता है, क्योंकि जो ट्रिप प्लान करा है मैंने उस पर सोच रहा हूँ कि इसको लेके जाऊँ कि दूसरा माइक खरीद लूँ, क्योंकि अब टाइम थोड़ा ही बचा है तो दूसरा माइक खरीदने का टाइम नहीं है, फिर मुझे शॉप से लेना पड़ेगा, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता था मैं। अगर इसमें आज का ऑडियो अच्छी आई तो मैं ज़रूर, फिर तो मैं इसको लेके जाऊँगा ट्रिप पे,
अगर नहीं आई, मुझे लगा कि यार वो कुछ सेम ही है, तो मैं इसको फिर रहने दूंगा, और क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बारे में हाइप इतनी ज़्यादा है, पर इसकी इतनी क्वालिटी मैं कहूँ ना, इतनी कुछ खास है नहीं। वैसी वो उठा हुआ है, हवा ही है बस कि हाँ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, ऐसी इतनी क्लैरिटी तो है ही नहीं। आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से बोलो तो आवाज़ फट जाती है, धीरे से बोलो तो आवाज़ नहीं आती। अब करे कह रहे क्या, चलो अभी भाई को पिक करने जा रहा हूँ मैं, उसके साथ जाऊँगा और फिर देखते हैं, आपको दिखाते हैं। रावण लंकेश हैं हम, लंकेश छोटे थे, रामलीला चलती थी ना यहाँ पे, तो मुझे वहाँ हर एक स्टेट का नहीं पता, पर यहाँ पे तो बड़ी फ़नी टाइप सी होती थी वो, ऐसा रावण बोलता था, हम लंकेश हैं। थोड़ी सी शॉपिंग भी करके आएंगे, थोड़ी बहुत ही शॉपिंग मैंने कर ली है, मैंने दिखाई नहीं, और थोड़ी बहुत ही और करनी है शॉपिंग, फिर अपना पूरा सेटल हो जाएगा जाने के हिसाब से। और धीरे धीरे आगे विंटर्स भी आ रही हैं ना, और वहाँ पर विंटर्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती पता नहीं, वो तो जाके पता लगेगा। जब हम छोटे होते थे तब तो रावण हमारे घर के पास ही चलता था, बिल्कुल पास। उस टाइम पे हर एक सेक्टर में चंडीगढ़ में आई थिंक जैसे 3-4 सेक्टरों का एक रावण था, तो जो मेजर सेक्टर थे ना चंडीगढ़ के, उन सब में रावण जलाते थे। अब इन्होंने 2-3 जगह वो कर दिया कि हाँ बस इसी जगह चलेगा। वैसे तो ठीक भी है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत हो जाता था उस टाइम पे इतना पोल्यूशन था नहीं। आजकल गाड़ियाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। मामा अर्थ कहते हैं ना, एक आप कोई भी चीज़ बाय करते हो तो आपके इनिशिएटिव होते हैं एक प्लांट लगाने में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वैसे तो वो। बाकी हर एक बंदा एक पेड़ भी लगाए, 130 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे, 130 के आसपास, 130 करोड़ के आसपास। अगर आधी भी पॉपुलेशन भी लगाए, हम आधी भी लगा लेते हैं, तो हर साल 30 करोड़ पेड़ लगाते हैं, फिर हम आधी की भी आधी कर लेते हैं, 30 करोड़ लोग पेड़ लगाएं तो ऐसे इतना हरा भरा हो जाए इंडिया हमारा। नहीं, मैं वाकई में जेन्युइनली एक चीज़ आपसे कंसल्ट करना चाहता हूँ, मुझे बाइक लेनी चाहिए या गाड़ी लेनी चाहिए? क्योंकि मेरा एक दोस्त कहता कि बाइक ले ले तू भी और मैं, और दोनों घूमा करेंगे। फिर मेरी मम्मी कहती है कि गाड़ी ठीक है, क्योंकि गाड़ी में एटलीस्ट तू रात को कहीं बारिश है, कहीं रुकना है तो गाड़ी साइड पर लगा के रुक तो सकता है, कंफर्टेबल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाइक। बाइक में नहीं रुक सकते ना आप। मैं थोड़ा सा लिटिल बिट सोचूंगा इसके बारे में बैठ के, अभी नहीं फिलहाल, अभी कुछ लेने का मूड तो बहुत कुछ है लेने का, पर लेकिन अभी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही। आप लोग सपोर्ट कम करते हो ना, लाइक शेयर एंड कमेंट करा करो। आज ऐसे सड़कें खाली पड़ी हैं, इतनी भीड़ है नहीं, पार्किंग की जगह नहीं मिली। यहाँ से दिख रहा है सामने रावण, दिख रहा होगा शायद, ये रहा। इतना बड़ा रावण मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। 200 फीट यार बहुत बड़ा होता है, आप पीछे वाली बिल्डिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये उससे भी बड़ा है। और इसके ऊपर लेज़र लाइट कुछ कुछ लगाया हुआ है इन्होंने, बहुत सारा कुछ। ट्रैफिक जैम लगा हुआ है हर जगह, जाते जाते भूख लग गई है, हमें सबवे पैक कराया हमने, अभी पता नहीं घर जाके खाएंगे कि नहीं। आधा घंटा हो गया और ये ट्रैफिक जैम अभी भी लगा पड़ा है, गाड़ियां फंसी पड़ी हैं। घर जाके मिलते हैं आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। ब्लॉगिंग तो छोड़ो, कुछ भी हो रहा है तो आगे। मम्मी बहुत बड़ा रावण था, बहुत बड़ा रावण था। लो जी लोग घर आ गए हैं, अभी सबवे खाते हैं, थोड़ी थोड़ी भूख लग गई है, और मम्मी ने भी खाना बना के रखा है। ब्लॉग थोड़ा सा छोटा था क्योंकि
आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कहीं जाने का कहीं टाइम ही नहीं मिला। सोचा तो इधर एक दो जगह शॉपिंग करने जाएंगे पर जा नहीं पाए, कल जाएंगे ज़रूर। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं और कमेंट करना ना भूलना था कि वो बहुत ज़्यादा वीडियो एडिट करके भी डाल नहीं दिया। तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं आपको, सी यू गाइस। कल थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और अपना हुलिया चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत बड़ी बड़ी भीड़ हो गई ना। सो कमेंट शेयर करना ना भूलना। सी यू गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।